please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अनुष्का शर्मा को मिली लीगल नोटिस। जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना पड़ा महंगा। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए बताते हैं। अमेज़न वेब सीरीज पाताल लोक को अभी रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। फिल्म की कहानी और किरदारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये वेब सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। लॉयर गिल्ड मेंबर वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने सीरीज की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। 18 मई को भेजे गए इस नोटिस में वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पूरे नेपाली समुदाय का अपमान हुआ है। वीरेंद्र ने कहा है कि पाताल लोक के दूसरे एपिसोड में पूछताछ के दौरान लेडी पुलिस शो में मौजूद नेपाली किरदार पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल करती है। अगर केवल नेपाली शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसके बाद का जो शब्द है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अनुष्का शर्मा इस शो की निर्माता है, इसलिए हमने उन्हें नोटिस भेजा है। अनुष्का शर्मा की इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो लीगल टीम मामले को आगे ले जाएगी। वीरेंद्र ने एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की है। इसमें उन्होंने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर नस्लवादी हमले को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए हम इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे। वहीं पिटीशन के मांग के अनुसार इस शब्द को म्यूट किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबटाइटल को भी ब्लर किया जाना चाहिए और इसके बाद एडिट की गई वीडियो को प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। इसके अलावा समुदाय ने बिना शर्त माफी और डिस्क्लेमर की भी मांग की है। इसके